नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज में। आज हेवा द्वारा सेकंड ग्लोबल सोर्सिंग एंड एक्सपोर्ट लीडरशिप अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। हमारे साथ अवार्डी मौजूद है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम और कंपनी के बारे में बताएंगे, किस तरह के प्रोडक्ट आप बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। हम इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ? ओके, सो मैं फ्रांसिस वाग्ज़ियाग कंपनी को रिप्रेजेंट करती हूँ। फाइंड एजेंसीज हमारी कंपनी का नाम है, फ्रांसिस वाग्ज़ियाग ग्रुप है, और हम बेसिकली फ्रांस की कस्टमर्स के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ आर कंपनी मिस्टर सैम्यूल, एंड बोथ ऑफ अस आर वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस द पास्ट ऑलमोस्ट 35 years, एंड वी लुक आफ्टर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू होम डेकोरेशन। सो इट इज़ टेक्सटाइल्स, फर्नीचर, कार्पेट्स, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट basically India makes, and our endeavor throughout our journey has been to put the India story forward, to tell the people, to tell the global buyers what India is capable to do and why they should choose India vis-a-vis any other country. मैम देखिए, आपको बहुत बहुत बधाई 10 न्यूज़ की तरफ से कि आपको अवार्ड मिला है। थैंक यू। राकेश सचान जी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कैसा फील हो रहा है? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फाइनली ऐसा लगता है कि किसी ने रिकग्नाइज किया है, किसी ने अप्रिशिएट किया है फॉर ऑल द वर्क दैट वन हैज़ बिन डूइंग साइलेंटली ओवर द ईयर्स। देखिए, जब हम काम करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो आप किसी अवार्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, बट अवार्ड्स आर ऑलवेज वेलकम एंड दे ऑलवेज हेल्प टू इनकरेज यू साइलेंटली। आज का अवार्ड किसको डेडिकेट करना चाहिए? आई वुड डेडिकेट दिस अवार्ड टू द स्पिरिट ऑफ Indian people, to the spirit of the Indian craftsmen who do not wait for anybody's appreciation or what do you call thapthapahi, jisko hum bolte hain, apne aap chup chap lagan se wo apna kaam karte hain, aur hum log ka ek hi endeavor rehta hai sabse zyada ki India ka koi bhi skill, कोई भी हुनर हमारे आर्टिजन्स का जो है वो इस जनरेशन के साथ ख़त्म ना हो जाए, और हम जितना चाहते हैं हम उसको ग्लोबल लेवल पे उसको प्रमोट करना चाहते हैं। हेवा जो प्रयास कर रहा है एक्सपोर्ट बढ़ाने का, क्या कहना चाहेंगे? वंडरफुल टास्क, समथिंग दैट वॉज डेस्परेटली नीडेड टू बी डन टू ब्रिंग ऑल द आर्टिजन्स एंड ऑल द एक्सपोर्ट कम्युनिटी टुगेदर। हेवा का एक स्पेशल एफर्ट ये है कि अगर हम और काउंसिल्स के साथ उनको कंपेयर करें कि ये इट इज़ नॉट ओनली जूट और ज्वेलरी और फर्नीचर और कार्पेट्स, इट इज़ ये टेक्सटाइल्स भी इसमें हैं, इसमें हैंडलूम्स हैं, इसमें फर्नीचर है, हथकरघा है, जूट है, सभी कुछ इन्वॉल्व्ड है। तो ये सभी माध्यमों को लेकर, सभी प्रोडक्ट्स को लेकर के आगे इंडिया स्टोरी को आगे ले जाने के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम है। सीपी शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी टीम ने, मैं उनको कंग्रेचुलेट करती हूँ। ये उनका सेकंड फंक्शन था, एंड आई हैव बीन यू नो बोथ ऑफ अस हैव बीन अटैच्ड विद हिम, हैव बीन इन टच विद हिम, और हम लगातार अपनी थॉट्स के साथ और अपने एफर्ट्स के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। टेन्यूज़ के से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।